Hi guys, this is Shantla Kumar and welcome back to my channel. Somewhere, somewhere. So, this video is not going to be a haul video or a vlog. This is going to be an informative video. I'm going to be sharing an experience that happened with a friend of mine with you guys to aware you about the scams that are happening these days. So, let's get started.

So I will share that with you guys in a while But of course because of obvious reasons I am not going to share his personal details And his uh, name and information with you guys So uh, we will be addressing him as uh, Shiv His name is not Shiv but we will be addressing him as Shiv So that it's easier for me to tell you the story and easier for you to understand So one fine day Shiv was chilling in his room watching TV And there was issue a tha, so कॉल्ड द केबल गए एंड उसको बताया कि ऐसे ऐसे कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप एक बार चेक कर लो एंड क्या होता है ना वो आपको बोलते हैं कि आप अपना सेट ऑप बॉक्स चेक करवाओ उसका कुछ नंबर वम्बर समथिंग चेक करवाओ तो वील गेट इट चेक समटाइम्स इट है आप इतना ध्यान भी नहीं देते हो इन चीजों पर लाइक हाँ ठीक है मैं पिक्चर भेज देता हूँ तो uh, उसको लगा कि हाँ ठीक है वो चेक कर लेंगे एंड द गायट मी नो तब तक वो फोन पे ऐसा लगा हुआ था um, ऑल ऑफ अ सडन उसको कॉल आती है व्हाट्सएप पे एक अननोन नंबर से एंड ही थॉट कि प्रॉबेबली वो बंदा है जिसको उसने बोला था चेक करने के लिए एंड उसको लगा कि हाँ ठीक है कॉल कर रहा है उसको लगा कि ऑडियो कॉल आई है तो उसने फोन उठा के कान पे लगाया एंड आफ्टर लाइक टू थ्री सेकेंड्स ही रियलाइज कि वो ऑडियो कॉल नहीं है वो वीडियो कॉल है बिकॉज आवाज uh, काफी लाउड थी उसकी तो उसने ऐसे सामने फोन किया एंड ही सॉ कि यू नो देर वॉज दिस वुमन कोई लड़का नहीं था तो उसे लगा ठीक है शायद उसकी वाइफ होगी या कोई काम कर रही होगी वहां पे उसने कॉल किया एंड इनको वीडियो कॉल पे देखना है वो सेटअप बॉक्स या जो भी यू नो सम लाइट्स और वॉट एवर दैट मच नॉलेज तो उसको लगा कि हाँ ठीक है उन्होंने कुछ चेक करना होगा तो वीडियो कॉल आई है तो जब उसने वीडियो कॉल उठाई और वो ऐसे सामने स्क्रीन थी उसके आ, देर वॉज दिस वुमन सिटिंग एंड उसने बोला कि आप कौन टली सेड मुझे आप बहुत पसंद हो फोन मत काटना समाइकूज like की ये कौन है और ये ऐसे कैसे बात कर रही है मतलब मैं जानता भी नहीं। तो इससे पहले की वो रियक्ट कर सकता मतलब समथिंग है you know? like समझ में नहीं आता आप क्या कर रहे हो आप एक ट्रांस में चले जाते हो ना समथिंग लाइक दैट है याद था उसने मुझे बताया तो वॉट हैपन नेक्स्ट वॉज

हिप्नोटाइज डॉ समथिंग लाइक दैट यू नो वो एक ट्रांस में चला गया था वॉन्टेड टू कट द कॉल बट वो कर ही नहीं पा रहा था आफ्टर दैट ही डज नॉट रिमेंबर एनी क्या हुआ क्या नहीं वो कॉल कितनी देर के लिए चली ही डज नॉट रिमेंबर कि उस वक्त में क्या हुआ या फिर मैंने क्या किया मेरी क्या बात हुई उससे उसको कुछ भी याद नहीं है ऑल ही रिमेंबर इज कि जब उसको होश आया थोड़ा सा उसका सर बहुत ज्यादा भारी हो रहा था यू वॉज फीलिंग वेरी डिजी और उसको जैसे ही रियलाइज हुआ कि वो कॉल पे अभी भी उसने फोन काट दिया साथ के साथ एंड उसको कुछ भी याद नहीं था कि क्या हुआ है क्या नहीं ही जस्ट रिमेम्बर्ड कि मेरा सर बहुत ज्यादा घूम रहा था और मैंने रियलाइज किया कि मैं अभी भी कॉल पे हूँ और मैंने फोन काट दिया सो ही कुड नॉट फिगर आउट कि उसके साथ हुआ क्या एकदम से वॉट वॉज दिस मतलब कोई लेडी आई वो जानती भी नहीं थी एंड यू नो शी वॉज कॉलिंग हिम बाय हिज नेम एंड बार बार वो बोल रही थी कि आई लाइक यू ये वो एंड लाइक समझ में नहीं आया कि क्या हुआ तो ये जो उसको वीडियो कॉल आई थी आई थी दिन में दोपहर को एंड सेम नाइट उसको एक मैसेज आता है हाय सेम नंबर से एंड ही स्टिल कंफ्यूज कि अभी क्यों मैसेज कर रही है अभी मतलब वॉट हैपनिंग फिर उसको एक वीडियो रिसीव होता है एंड इट वॉज एंड इनअप्रोप्रिएट वीडियो ऑफ हिज एंड दैट वोमेंट इट वॉज वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफकोर्स स्क्रीन रिकॉर्डिंग की गई थी एंड वो कॉम्प्रोमाइजिंग पोजिशन में था एंड ही कुड नॉट फिगर आउट कि ये कैसे पॉसिबल है बिकॉज जितना उसको थोड़ा बहुत याद है ऐसा कुछ भी नहीं हुआ एंड मतलब उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये हुआ क्या तो बेसिकली वो वीडियो आई आके सिर्फ इतने टाइम के लिए रही कि वो देख सके कि क्या हुआ एंड उसको डिलीट कर दिया गया और सारे मैसेजेस पुराने भी डिलीट कर दिए गए इवन जो वीडियो कॉल की गई थी उसको भी डिलीट कर दिया गया और उसके बाद उसको थ्रेटन किया गया दैट आई नीड मनी वरना ये वीडियो सोशल मीडिया पे अपलोड कर दी जाएगी एंड ही गॉट्स कैड ऑफकोर्स आप किसी को ऐसी चीज दिखा के थ्रेटन कर रहे हो एंड दैट पर्सन डजेंट इवन रिमेम्बर कि हुआ क्या था एग्जैक्टली exactly, उसने किया भी ऐसा कुछ या फिर वो एडिटेड वीडियो है उसको कुछ नहीं पता था एंड वो आई ही इतने थोड़े टाइम के लिए थी कि वो फिगर आउट ही नहीं कर पाया कि वो वीडियो रियल भी है या नहीं बिकॉज उसको ऐसा कुछ याद नहीं है कि उसने ऐसा कुछ भी किया है तो अगर किया भी है तो उसको ये याद नहीं है कि मैं मुझे पता है कि मैंने अपनी मर्जी से ऐसा कुछ भी नहीं किया बिकॉज ऑफकोर्स ही नॉट अ फूल उसको पता है कि सोशल मीडिया क्या चीज है और क्या क्या हो सकता है सो so, उसको भी पता है कि क्या करना है क्या नहीं करना बट ही वॉज इन शॉक कि मैं ऐसा कभी कर ही नहीं सकता बट Um, ऐसे कैसे हो सकता है कि अगर ये किया भी है तो मुझे याद नहीं है ऑफकोर्स देर वॉज सम काइंड ऑफ यू नो हिपनोसिस और मुझे नहीं पता देखो हाउ इट वर्क आई हैव नो नॉलेज अबाउट इट बट अकॉर्डिंग टू वॉट ही सेड कि मुझे याद नहीं है मेरा सर भारी हो रहा था एंड आई आई जस्ट फेल लाइक अ फ्यू पार्ट दैट आई रिमेंबर आई फेल्ट लाइक कोई मुझसे करवा रहा है यू नो आई वॉज इन दैट जोन सो जब उसने वो वीडियो देखी ही बेंटन टू शॉक किए क्या है क्या ये एक्चुअल में मेरी वीडियो है या यू नो एडिट की गई है एंड वो थ्रेटन किए जा रही थी लड़की उसको कि आई नीड मनी सो शी वाज डिमांडिंग अ लॉट एंड शी वाज लाइक आई आई नीड टू पे सम फी और समथिंग तो आपको मुझे पैसा देना पड़ेगा उसने ये भी बोला शिव ने कि देखो आप कुछ और काम कर लो ना पैसे चाहिए तो आप ये सब क्या कर रहे हो आप किसी की लाइफ खराब कर रहे हो और जबकि इंसान ने ऐसा कुछ किया भी नहीं है गलत और आप ये बहुत गलत कर रहे हो जो भी ये स्कैम कर रहे हो यू शुड नॉट डू इट और यू uh, नो you know, आपको पैसे चाहिए तो ठीक है आप अच्छे तरीके से भी कमा सकते हो या फिर कोई और वे अपना लो और मेरे पास तो इतना है भी नहीं जितना आप मांग रहे हो बट शी इज लाइक नो 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 मुझे तो पैसा चाहिए वरना मैं ये अपलोड कर दूंगी एंड ही वॉज कॉन्स्टेंटली सेंग कि भाई मैं नहीं दे सकता बिकॉज मेरा इनकम ही इतना नहीं है मैं कहाँ से ला दूंगा तो उसने बोला इट्स ओके तो आई टेल यू समथिंग जब मैंने ये स्टोरी सुनी थी मुझे ये इंस्टेंटली पता चल चुका था कि ये स्कैम है ऑफकोर्स बिकॉज इसमें इतने सारे पॉइंट्स हैं ना जो एक इंसान अगर थोड़ा शांति से बैठ के सोचेगा उसको समझ में आ जाएगा कि अरे नहीं ऐसे कैसे पॉसिबल है ये कैसे हो सकता है बट ऑफकोर्स जिसके साथ ये चीज होती है उसको उस टाइम पे उसके लिए सोचना मुश्किल हो जाता है कि हाँ ऐसे भी हो सकता है वैसे भी उसके साथ हो रहा है तो ऑफकोर्स वो उसको सीरियसली लेगा एंड अच्छी बात है सीरियसली लेना भी चाहिए तभी आप उस चीज के अगेंस्ट एक्शन लोगे तो उसको एक्चुअल में लगा कि नहीं अभी ये वीडियो वायरल हो गई तो बहुत यू you नो know, गलत हो जाएगा बिकॉज मैंने ऐसा कुछ नहीं किया और मैं गलत इंसान नहीं हूँ तो uh, वो उससे रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज मेरे पास पैसे नहीं है मैं कहीं से कुछ नहीं कर सकता हूँ तो दैट वोमेंट वॉज लाइक अच्छा आप इतने नहीं इतने दे दो देखो मेरे पास अभी इतने भी नहीं है अफकोर्स लाइक like, मैं नहीं कर सकता हूँ मुझे अपना घर भी चलाना होता है बिग फैमिली तो मैं नहीं कर पाऊंगा शिव कॉन्स्टेंटली नहीं आपको पैसे तो देने पड़ेंगे वो तो शिव ने उसको उस टाइम पे लाइक इग्नोर किया कि मैं नहीं कर सकता ये वो थोड़ा यू you नो know, टाला एंड uh, उसके बाद भी सारे उसने मैसेजेस अपने डिलीट कर दिए उस लड़की ने सो so दैट कोई भी प्रूफ नहीं रहे और वो प्रूफ है या नहीं वो तो हमें पता है बट एनीवे वे उन्होंने अपनी तरफ से डिलीट किया वो मैसेजेस तो नेक्स्ट आफ्टरनून उसको एक अनोन नंबर से मैसेज आता है एंड दैट पर्सन प्रिटेंड्स टू बी सम एस पी ऑफ सम क्राइम ब्रांच हरियाणा में और हम लोग हरियाणा में नहीं रहते हैं तो उसने बोला कि मैं यहाँ यहाँ से क्राइम uh, ब्रांच का एस पी बोल रहा हूँ एंड um, आपके अगेंस्ट एफ आई आर हुई है एक लड़की ने करवाई है कि आपने ऐसे ऐसे uh, किया उसके साथ गलत किया ये वो सो यूल हैजाइज एंड ही वॉज लाइक सर मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया अफकोर्स वो डरा हुआ था तो ही वॉज टेकिंग इट सीरियसली कि एक्चुअल में वो वो है है और और यू नो कहीं का और वो बात कर रहा है मुझसे तो उसने बोला कि आ, नहीं सर मतलब ऐसा कुछ भी नहीं किया मैंने उसने सब कुछ बताया कि क्या क्या हुआ है एंड दैट पर्सन ट्राइंग टू मोल्ड द सिचुएशन वो उसके मुंह से ऐसे ऐसे शब्द निकलवाने की कोशिश कर रहा था दैट कुड बी यूज अगेंस्ट हिम तो आप जब ऐसी सिचुएशन में आपको नहीं समझ में आता ना सामने वाला क्या कर रहा है आप डर जाते हो एंड दैट पर्सन वॉज लाइक ही विडियो कॉल्ड हिम और मैंने मुझसे ये बात शेयर कर चुका था वो उससे पहले तो मैंने उससे स्पेसिफिकली मना किया था कि वीडियो कॉल आएगी तो बिल्कुल भी नहीं उठानी कॉल की वजह से जो भी हुआ एंड इवन इफ यू पिकअप द कॉल डू नॉट शो योर फेस आप सामने वाले का चेहरा देख सकते हो इट्स फाइन डू नॉट शो योर फेस बट ही गॉट एंड उसने वीडियो कॉल उठाई देर वॉज दिस पर्सन सिटिंग इन

कोई फाइल आती है जिसमें सोशल मीडिया पे जो ऐसी वीडियोस डाली जाती हैं उनके नाम आते हैं उन लोगों के एंड हमारे पास एक फाइल आती है ऐसी पहले तो उसने बहुत सुनाया कि आपको शर्म आनी चाहिए आपने क्या किया है आप कितने घटिया आदमी हो यो बिकॉज ऑफकोर्स यू नो आप गिल्ट में डालोगे किसी को ये सब बोल के बहुत सुनाया एंड उसके बाद बोला कि आपको अगर उस फाइल से नाम कटवाना है आपको एक ऑफिशियल अपोलॉजी भेजनी पड़ेगी आप अभी इस वीडियो पे बोलो मुझसे ये गलती हुई है और आप उस लड़की से माफी मांगो तो शिव ने इवन ये भी बोला कि आप हमें बता दो कहाँ आना है आ, मैं माफी तो नहीं मांगूंगा बिकॉज मेरी गलती नहीं है बट आप वहां पे जहां बुलाना चाहते हो जहां एफ आई आर हुई है आप हमें बता दो हम आ जाएंगे आमने सामने उस लड़की से बात कर लो बिकॉज मैंने कुछ गलत नहीं किया तो कोई बात नहीं हम मिल बात कर लेंगे बट दैट गाइ वज लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक कि नहीं नहीं यूलॉजाइज सो दट ये वीडियो मैं उस लड़की को दिखाऊंगा एंड यू नो मेरे पास कंप्लेन आई है और जब आप अपोलोजाइज कर दोगे तो मैं उस फाइल में से आपका नाम काट दूंगा और वो वीडियो इंटरनेट से हटा दी जाएगी पहली बात तो ऐसा कोई प्रोसीजर होता नहीं है बट एनी वे ठीक है वन यू और इन दैट काइंड ऑफ सिचुएशन आप लॉजिकली नहीं सोचते हो तो उसको अफकोर्स थोड़ी सी फीलिंग आ रही थी बट ही गॉट कैट वो यूनिफॉर्म देखकर तो उसने उस टाइम पे तो ज्यादा बात नहीं की उससे उसने फोन काट दिया एंड देन यू नो ही टॉक टू हिज वाइफ उसने अपने पेरेंट्स को भी बताया था इस सबके बारे में एंड uh, सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे नो ना कि वो कैसा है दे नो कि वो ऐसा कुछ नहीं कर सकता तो सब लोग बहुत सपोर्टिव रहे उन्होंने बोला कि इट्स फाइन डोंट वेरी हम हैं तेरे साथ देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जितना मुझे नॉलेज आए कुड बी रॉन्ग और जितना मुझे नॉलेज है uh, अगर आपके अगेंस्ट कोई भी एफ आई आर होती है Uh, किसी भी क्राइम ब्रांच का एसपी या फिर पुलिस स्टेशन का कोई एसपी है वो इतना वेला नहीं बैठा कि वो हर सस्पेक्ट को कॉल कर करके ये बोलेगा कि आप मुझे अपोलॉजी दो इस लड़की या इस पर्सन के uh, लिए वरना मैं आपको जेल में डाल दूंगा नो बडी दैट ओके अम्म सेकेंड चीज आप किसी और स्टेट में हो हम किसी और स्टेट में हैं हमारे खिलाफ अगर एफआईआर हुई है वो एफ ट्रांसफर की जाती है लोकल पुलिस स्टेशन में या फिर लोकल क्राइम ब्रांच में या साइबर सेल जो भी लोकली uh, उसको ट्रांसफर किया जाता है और लोकल जो डिपार्टमेंट है वहां से हमें कॉल आती है एंड वो भी कॉल करके कभी भी कॉल पे ये सारी चीजें डिस्कस नहीं करते कि आपने ये किया है आपके खिलाफ एफ आई आर आई है आपने वो किया है आपको सॉरी बोलना है दीज थिंग्स आर कॉन्फिडेंशियल वो हमेशा सीधा ये बोलते हैं कि आपके अगेंस्ट एफ आई आर यूल द पुलिस स्टेशन टू गिव योर स्टेटमेंट या फिर हमें जो भी आपसे क्वेश्चनिंग करनी है पुलिस स्टेशन कभी भी ऐसी चीजें कॉल पर डिस्कस नहीं की जाती और एस तो आपको डेफिनेटली कॉल नहीं करेगा वो इतना फ्री नहीं बैठा है उसके पास और भी काम है तो ये चीजें सुनने के बाद मुझे अफकोर्स ये लगा कि हाँ दिस कुड बी स्कैम एंड ऐसा सब फोन पे कोई नहीं करता है और जो वो पुलिस वाला बंदा था पहली बात तो उसकी डीपी मैच नहीं कर रही थी जो भी वो सामने बैठा हुआ था रेंट पे मिल जाती हैं ऐसी यूनिफॉर्म्स यू नो वो पहन के बैठ गया और वो सामने वाले को डरा दिया कि ऐसा है वैसा है एंड uh, रही बात जो भी वीडियो की जो बोला गया था कि अपलोड हो चुकी है उसको हटाने के लिए फाइल आई है वहां से देखो कोई भी इतनी सिरदर्दी नहीं लेता कि वो आपको कॉल करके ये बोलेगा कि आपकी वीडियो अपलोड हो गई है उसको हटाने के लिए हमें अपोलॉजी दे दो एंड हम फाइल से नाम काट के वीडियो हटा देंगे प्रोसीजर होता है हर चीज का ऑफ कोर्स नोबडी इज दैट फ्री पुलिस एक एक बंदे को कॉल करके नहीं बोल सकती उनकी ड्यूटी नहीं है वो उनका काम नहीं है वो उनका काम ये है कि अगर आप जाके उनके पास एफ आई कर रहे हो या फिर कोई कंप्लेन कर रहे हो वो उसके अगेंस्ट एक्शन लेंगे बट वो खुद से आके आपको नहीं पूछेंगे ना एक एक बंदे को कि आपके साथ ये हुआ इसके अगेंस्ट एक्शन लेते हैं बताओ सॉरी बोल दो ऐसे नहीं होता ऑफकोर्स तो अः मुझे ये सारी चीजें जब मैंने देखी तो मुझे समझ में आया कि नहीं ऑफकोर्स इट इज अ स्कैम और ऐसा नहीं होता है तो मैंने उसको बहुत समझाने की कोशिश की बिकॉज ही वॉज कॉन्स्टेंटली टॉकिंग अबाउट कमिटिंग सुसाइड दिस इज अ सीरियस इशू क्योंकि ये किसी के भी साथ हो सकता है किसी भी लड़के किसी भी लड़की किसी टीनेजर के साथ भी हो सकता है इमेजिन अगर ये किसी 15-16 साल के बच्चे के साथ होगा उसको नहीं समझ में आएगा उसने क्या करना है बिकॉज वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करने में घबराएगा होता है ऐसा अनलेस आपने अपना एक घर का एनवायरमेंट ऐसा बनाया हो कि आपका बच्चा आपके साथ सब कुछ आके शेयर कर सकता है

आपका कोई मैसेज आया है ओ आया है दैट इज डिफरेंट बट समथिंग लाइक दिस एंड टिल डेट हमें नहीं पता कि उसकी वीडियो वो एडिटेड थी रियल थी और उसको हिप्टोटाइज किया गया या फिर क्या किया गया उसके साथ वी डोंट नो उसके बाद मैंने उससे बात की मैंने उसको समझाया कि ऐसा नहीं है डोंट वरी ऐसा कुछ भी नहीं होगा ऑफ कोर्स इट इज अ बिग डील फॉर अ पर्सन जिसके साथ ये हो रहा है बिकॉज किसी की भी इज्जत जाने में दो मिनट लगते हैं आप किस किस को एक्सप्लेन करोगे कि क्या हुआ कैसे हुआ रियल है फेक है एंड लाइक इट्स ओके वी आर विद यू तूने कुछ गलत नहीं किया है तो डरने की कोई जरूरत नहीं है एंड वी आर विद यू हम इस चीज के अगेंस्ट एक्शन लेंगे सो आई हिम फाइल अ कंप्लेंट ऑन साइबर क्राइम पोर्टल अनदर थिंग दैट आई मिस्ड दैट गाय जिसका सेकेंड टाइम पे मैसेज आया था दैट पर्सन हु वाज प्रिटेंडिंग टू बी एसपी उसको अनब्लॉक किया था इन्होंने दोबारा आई गेस अनब्लॉक नहीं किया था आम, इन्होंने अपना इंटरनेट ऑफ रखा था और उसके बाद इन्होंने इंटरनेट ऑन किया था जब रात को यू you नो know, फ्री होके काम वाम से अपना तो उसके कुछ मैसेजेस आए हुए थे वॉइस रिकॉर्डिंग्स आई हुई थी तुमने बहुत गलत काम किया है आ, मैं आ रहा हूं चौबीस घंटे के अंदर अंदर मैं तुम्हें जेल में डालूंगा तुमने जो किया है तुम कितना भी भाग लो बेसिकली डराने के लिए और थ्रेटन करने के लिए लकीली आई फाउंड वीडियोज अबाउट इट ऑन यूट्यूब ये एग्जैक्ट पैटर्न पहले आपको एक लड़की का कॉल आएगा वो स्ट्रिप करना चालू करेगी एंड देन आपको वो थ्रेटन करेगी कि पैसे दो फिर आपको एक पर्सन कॉल करेगा पुलिस इंस्पेक्टर बन के एस पी एडीजी वॉट एवर एंड वो आपको बोलेगा कि आपको अपोलोजाइज करना है ये स्कैम बहुत चल रहा है बट uh, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ भी है तो उसके बाद कोई कॉल या टेक्स नहीं आया उसको बट अभी ही इज फाइन uh, उसको थोड़ा सा टाइम चाहिए था इस चीज से बाहर निकलने के लिए एंड दैट्स वाई आई ऑल्सो टुक टाइम टू मेक दिस वीडियो एंड शेयर इट विथ यू गाइस बिकॉज मुझे उसको ट्रिगर नहीं करना था बट ही इज फाइन नाउ मुझे सिर्फ यही बताना था इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को दैट इस तरह के स्कैम्स बहुत ज्यादा चलते हैं तो कभी भी अननोन नंबर से कॉल आती है हम नहीं उठाते हैं बट व्हाट्सएप कॉल या वीडियो कॉल्स भी आ रही है ना उसको भी अवॉइड करो प्लीज सो सोशल मीडिया एंड टेक्नोलॉजी बहुत सारी चीजें हैं कन्वीनियंट कर देती है हमारे लिए सब कुछ बट एट द सेम टाइम इनके ड्रॉबैक्स भी बहुत ज्यादा है सो प्लीज बी सेफ बी अवेयर एंड इफ यू फील लाइक दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू गाइज प्लीज डू शेयर इट फॉरदर सो दैट ज्यादा से ज्यादा लोगों को पता चले कि ऐसा स्कैम हो रहा है और यू uh, नो you know, उनको डरने की कोई जरूरत नहीं है दे नीड टू बी स्ट्रॉन्ग एंड टेक एक्शन अगेंस्ट इट इफ यू जेन्युनली लाइक दिस वीडियो ऑल फाउंड इट हेल्पफुल प्लीज गिव इट अ थम्स अप एंड प्लीज शेयर इट विद एज मेनी पीपल एज यू कैन इफ यू हैवेन सब्सक्राइब टू माई चैनल डू सब्सक्राइब राइट नाउ स्टे सेफ स्टे अलर्ट आल सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम बाय